चुनाव का नगाड़ा बज चुका है, सियासी पार्टियों ने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश की एकमात्र कांग्रेसी लोकसभा सीट छिंदवाड़ा फिर चर्चा में आ गई है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे और मौजूदा सांसद नकुल नाथ को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतार दिया है। ऐसे में नकुल नाथ एक बार फिर सपरिवार छिंदवाड़ा में जम गए हैं। इससे पहले नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान नाथ परिवार छिंदवाड़ा की गलियां छान रहा था, लेकिन इस बार चुनाव बड़ा है और विशाल लोकसभा क्षेत्र। विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी एक चेहरा फिर छिंदवाड़ा में एक्टिव है। ये हैं पूर्व सीएम कमलनाथ की बहू और सांसद नकुल नाथ की धर्मपत्नी प्रिया नाथ। छिंदवाड़ा में कोई इन्हें बहू कहता है तो कोई भाभी जी। विधानसभा चुनाव में ससुर के लिए वोट मांग रही प्रिया नाथ इस बार पति के लिए भरी दोपहरी लोकसभा क्षेत्र के गांव और खेत खलिहानों में पहुंच रही हैं। इन दिनों गेहूं की कटाई का दौर है, ऐसे में प्रिया नाथ सर पर पल्लू लिए ग्रामीण महिलाओं के बीच गेहूं कटाई में हाथ आजमाती नजर आई। उनके साथ छिंदवाड़ा महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी और स्थानीय विधायक भी थे। इस दौरान प्रिया नाथ गाँव की बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लेना नहीं भूलती। हालांकि बेहद अमीर परिवार की बहू प्रिया नाथ के साथ स्थानीय कांग्रेस नेताओं की पूरी टीम चलती है। जैसे महिला नेत्री किरण चौधरी पहले गेहूं काटना शुरू करती हैं, उन्हें देख और समझ फिर प्रिया नाथ हंसिया उठाती हैं और गेहूं काटने लग जाती हैं। गेहूँ क्या भाव बेचोगे? नहीं देखने नहीं है भैया, खाने के लिए भाव कम लगाया। आप कैसे हो दीदी? मजे में हो? अरे वाह क्या बात, आप भी ठीक हो? पति की टिकट का ऐलान होते ही प्रिया नाथ ने छिंदवाड़ा जिले का सघन दौरा शुरू कर दिया है। आरोप लगते हैं कि नाथ परिवार कॉरपोरेट कल्चर से कांग्रेस को चलाता है। ऐसे में प्रिया नाथ की ये सादगी और जमीन से जुड़ाव लोगों को भा रहा है। उनका ये वायरल वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले 44 वर्षों से छिंदवाड़ा में नाथ परिवार और कांग्रेस का दबदबा रहा है। सिर्फ एक उपचुनाव को छोड़कर कमलनाथ यहां से कभी नहीं हारे। 2019 में कमलनाथ एमपी के सीएम थे, ऐसे में उनके पुत्र नकुलनाथ यहां से चुनाव मैदान में उतारे गए। उस वक्त मोदी लहर के बीच बीजेपी के आदिवासी नेता नत्थन शाह से नकुलनाथ 37,000 वोटों से जीते थे। हालांकि उनके पिता कमलनाथ के इतिहास के हिसाब से देखें तो ये जीत बहुत छोटी थी, क्योंकि कमलनाथ छिंदवाड़ा में लाखों की लीड लेकर जीतते रहे हैं। बहरहाल इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो सांसद नकुलनाथ के लिए छिंदवाड़ा जीतना बेहद मुश्किल हो सकता है। अगर बीजेपी ने छिंदवाड़ा को गंभीरता से ले लिया जैसा कि लग रहा है तो नकुलनाथ की मुसीबत बढ़ सकती है। और चर्चा ये भी है कि अगर हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने यहां से कमजोर कैंडिडेट उतार कर नूरा कुश्ती की तो फिर ये सीट नाथ परिवार और कांग्रेस की झोली में होगी। आपको बता दें कि पिछले बार एमपी में लोकसभा चुनाव 28-1 पर छूटा था। सिर्फ छिंदवाड़ा ही वो अभेद्य गढ़ है जिसके आसपास भी बीजेपी नहीं ठहर पाती है। और सियासी पंडित तो ये कानाफूसी भी करते हैं कि कई बार नाथ परिवार के लिए मुकाबला हल्का रखा जाता है। अगर बीजेपी के रणनीतिकारों ने ये तय कर लिया है कि इस बार कमलनाथ का बनाया कवच भेदना है, तब ये लड़ाई रोमांचक और किसी भी करवट जाने वाली हो सकती है। अहम मुद्दे बेरोजगारी की है, महंगाई की है, तो ये जो मोदी जी कह रहे हैं गारंटी, असली मुद्दा जो है बेरोजगारी है और महंगाई है, उस पे कोई गारंटी नहीं दे रहे। भाजपा दावा कर रही है कि 29 की 29 सीटें जीतेंगी, इसको लेकर आप क्या? वो तो 400 पार का भी दावा कर रहे हैं।